हेलो पीपल, वेलकम बैक टू इस दिल्ली ब्लॉग भाई, पार्ट टू में आपका स्वागत है। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना। और महाकाल लोक की जर्नी स्टार्ट करते हैं, नाइट व्यू आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें बहुत ही खूबसूरत होने वाला है ये वीडियो, लास्ट तक देखना और जय महाकाल कमेंट में जरूर लिख देना। तो जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आप लोग भी यहाँ दर्शन के लिए आएंगे। और अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं तो ये भी कमेंट करके बता देना कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतर लगा यहाँ का। तो भाई महाकालेश्वर धाम में यहाँ पे भी ऐसे लोग घर बना रहे हैं अपने, जिनको घर चाहिए तो यहाँ पे मान्यता यहाँ पे भी है कि अगर आप ऐसे बना के जाते हैं किसी दूसरे के घर मत तोड़ना, जो भी यहाँ बना के जाएगा जल्द ही उसकी ये इच्छा पूर्ति होगी और उसका घर मिलेगा। देख लो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बनाया है। शाम के टाइम पे अच्छा खासा रश हो गया, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है भाई। इतनी तो सुबह बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे लग भी नहीं रहा था यहाँ भीड़ भी होती होगी। आप देख के लग रहा है बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, बहुत ही ज़बरदस्त। और लाइटिंग्स के बाद वाकई में बहुत सुंदर लगता है यार ये जगह। तो भाई यहाँ पे शिव जी की मूर्ति लगी हुई है और एक साथ बहुत सारे देवी देवताओं की यहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं। देखो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये रात को तो अच्छा लगता ही है, दिन में भी अच्छा लगता है। दिन वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। तो भाई यहाँ से प्रवेश हो रहा है मंदिर के लिए गर्भ गुफा की तरफ, वहाँ पर जाके आप दर्शन कर सकते हैं महादेव जी के। तो दूसरी तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दर्शन दिखाया है, दर्शन हमने कर लिया है। तो अभी चल रहे हैं महाकाल कॉरिडोर यानी महाकाल लोक देखने के लिए और ये है महाकालेश्वर जी मंदिर का मेन गेट। तो भाई ऐसे रास्ते में यहाँ पे ग्रीनरी लगाई हुई थी, हरियाली बहुत अच्छी लग रही है और तरह तरह के यहाँ पे पत्ते फूल ऐसे लगे हुए हैं। तो लोग यहाँ पे भी खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं और सामने आप देख रहे होंगे दूसरी तरफ भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। लगभग 100 से ज़्यादा मूर्तियाँ यहाँ पे होंगी और लगभग ये स्तंभ भी 100 से ज़्यादा ही हैं, छोटे बड़े मिला के लगभग 200 मूर्तियों के आसपास होगा यहाँ पे। ये लास्ट तक जाएंगे वहाँ तक अभी घूमते हुए। और सभी स्तंभों में देख रहे होंगे आप कोई ना कोई चित्र यहाँ पे बना हुआ है और लगभग सभी में कुछ ना कुछ अलग बना हुआ है यहाँ। और दूसरी तरफ भी देखो काफ़ी कुछ अभी बना हुआ है, इसमें स्टॉल्स मतलब दुकानें खुल सकती हैं, अभी खुली नहीं है। तो आने वाले टाइम में आपको और भी भव्य देखने को मिलेगा। और ये भी दो चरणों में बन रहा है, एक चरण अभी चालू हुआ है, दूसरा चरण जल्दी ही चालू हो जाएगा। देखो भोलेनाथ जी की यहाँ पर एक बड़ी सी प्रतिमा है और इस तरफ भद्रकाली यानी काली माता जी की प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है। सागर मंथन वाला दृश्य यहाँ पे बना हुआ है और बिल्कुल पानी के फुहारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। पास से दिखाता हूँ मैं आपको, भगवान भोलेनाथ जी विष का प्याला लिए हुए हैं और ये मंथन वाला दृश्य है, समुद्र मंथन, बहुत सुंदर लग रहा है भाई, बहुत सुंदर। और जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर रावण की एक बड़ी सी विशाल मूर्ति बनी हुई है जिन्होंने पूरा कैलाश पर्वत उठा रखा है, जिसमें भोलेनाथ जी और उनकी पूरी फैमिली है, नंदी बैल और यहाँ गणेश जी और कार्तिकेय जी भी हैं इसमें। और दूसरी तरफ आपको एक समझ लीजिए पूरी की पूरी कहानी देखने को मिलेगी वॉल पे ही। आप पूरी वॉल पे अगर आपने कहानियाँ सुनी हैं भोलेनाथ जी की, शिव पुराण की अगर आपने कहानियाँ सुनी हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है भाई। तो भाई यहाँ महाकाल जी अपनी नंदी बैल पे कहीं जा रहे हैं, ऐसा दृश्य बनाया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है यार, बिल्कुल वाइट और गोल्डन में बहुत प्यारा। देखिए अपने राक्षस टोली के साथ जा रहे हैं, ये देखिए। तो भाई ये उनके शिव भगवान जी के विवाह के समय ये विशाल रूप उनका देखिए, बहुत बढ़िया बनाया गया है। और इस समय जो दृश्य आ रहा है ना बैकग्राउंड से, जो ब्लू कलर की लाइट आ रही है, तो शाम का ही समय है, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं तो मैंने आपको दिखाना स्टार्ट कर दिया। बाकी बहुत सुंदर लग रहा है यार ये दृश्य। और आगे चलते हैं यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ की जो लाइटिंग्स हैं वो बहुत प्यारी लग रही हैं। देखिए अभी कलरफुल लाइट्स चेंज होने वाली हैं कुछ ही देर में। तो भाई देख के ऐसा लगता है जैसे किसी महल में हम यहाँ पे खड़े हैं, बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य है।
तो भाई कैमरे में इतना बढ़िया नहीं दिख पा रहा है जितना मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये, और सारी की सारी मूर्तियाँ जो आकृतियाँ हैं उभर के निकल के ऐसे बाहर आ रही हैं, जबकि दीवार पे ये बनाई गई हैं सीमेंट से। बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत सारी यहाँ से बनी हुई, देखो बहुत दूर तक। बहुत बड़ी कला है, सभी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं भाई। यहाँ आसपास सुनने को मिल रहा है मुझे, सभी इसकी बनावट को देख के ही मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं भाई। तो भाई यहाँ पे शिव जी का डमरू और त्रिशूल बनाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई यहाँ पे तीन द्वार हैं, जिनमें से एक ये है नंदी द्वार, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। भव्यता इसकी देखिए, इसके आगे इंसान देखिए छोटे छोटे से हैं, बहुत विशाल है, इससे पता चलता है। भाई सबसे खूबसूरत ये वाला पार्ट मुझे लगता है पूरे महाकाल लोक का सबसे खूबसूरत पार्ट यही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये फुहारे, ये लाइटिंग्स, और बीच में महादेव जी बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। तो भाई कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख देना, जो भी महाकाल के भक्त हैं, जो भी भोलेनाथ को मानते हैं भाई, एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। और देख लो बहुत ही प्यारा लग रहा है, जल्दी आप लोग भी यहाँ आना घूमने के लिए। और शाम का दृश्य वाकई में बहुत प्यारा है यार, और सबसे प्यारी सुकून भरी जगह यही है सप्त ऋषियों वाली जगह। और यहाँ पे शिव स्तंभ यहाँ पे है शंकर भगवान जी का, ये देखिए पूरा का पूरा दृश्य। यहाँ पे सात ऋषि मुनि यहाँ पे बनाए गए हैं, और सब में सबसे खूबसूरत पार्ट ये भी है, यहाँ पे बैठा जा सकता है। अंदर चल के देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है यार ये जगह। यहाँ अगर आप वीडियोज़ बनाते हो बहुत खूबसूरत बनेगी, लाइटिंग्स नहीं जज कर पाएगा, फ़ोन दिखाई नहीं पाएगा इतनी खूबसूरती। और सब में से एक सबसे खूबसूरत दृश्य ये भी है, बहुत बढ़िया बनाया गया है, बहुत अलग है ये, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है ये। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जगह पसंद आई होगी, बहुत खूबसूरत बनाई गई है। तो भाई ये है यहाँ की सबसे आखिरी मूर्ति, जिनके ऊपर जलाभिषेक हो रहा है, ये हैं लक्ष्मी जी यानी शंकर भगवान की वाइफ, और इनके साथ में खड़े हैं कार्तिकेय जी उनके बेटे, और गणेश जी गोदी में हैं सबसे छोटे वाली। तो बहुत अच्छा व्यू है ये। तो दोस्तों जल्द ही खाटू श्याम मंदिर का भी वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, देखते रहिए ऐसे दिल्ली ब्लॉग, और जय महाकाल जरूर लिख देना। बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही नए ब्लॉग में। तो भाई यहाँ पे रात में देख रहे हो कि दिए जलाए गए हैं, ये जो मैंने सुबह दिखाया था ना ब्लैक ब्लैक, जिससे चंदन और जिसपे सिक्के चिपका रहे थे, उन सभी पे दिए जले हुए हैं पूरे के पूरे। और यहाँ एंट्री करने के लिए बहुत ज़्यादा बम्पर भीड़ है, क्योंकि अभी अभी आरती स्टार्ट हुई है, और अंदर आरती चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मार्केट में बहुत ज़बरदस्त भीड़ है।